जाली नोटों से डीजल भराने वाले हरियाणा के 3 आरोपी गिरफ्तार। उदयपुरवाटी में जाली नोट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक ही सीरियल के सारे नोट। उदयपुरवाटी कस्बे के निकटवर्ती सिक्कर स्टेट हाईवे पर गोल्याणा के नजदीक विनायक पेट्रोल पंप पर मंगलवार की देर शाम को हरियाणा नंबर की कार में जाली नकली नोटों का तेल भराने की फिराक में थे। वहीं पेट्रोल पंप पर तेल भरते समय जाली नोट देते समय पकड़े गए। जाली नोटों का मुख्य आरोपी सत्य प्रकाश पुत्र रणवीर जाट इमलोडा चर की दादरी हरियाणा का है। पुलिस ने एक दिन का पीसी रिमांड लिया है। वहीं अन्य दो साथी सतवीर पुत्र ब्राह्मण चरखी दादरी हरियाणा को न्यायालय में पेश कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। थानाधिकारी भंवरलाल कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 आरोपी 2 दिन से थाना क्षेत्र में जाली नोट चलाने के लिए पेट्रोल पंप पर चक्कर लगा रहे थे। सूचना के जरिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वहीं एक का एक दिन का पीसी रिमांड लिया गया। आरोपी के कब्जे से 10,400 रुपए बरामद किए गए हैं। इसमें ये है कि हमारे आई साहब डी साहब ए साहब के आदेश से अभियान चल रहा है। जो आरम सेट है, एक्साइज एक्ट है, जो ये अपने फर्जी करेंसी है, इनके बारे में अभियान चल रहा है। इस अभियान के आदेश की पालना में हमने जो पूर्व से टीम लगा रखी थी, सर्च कर रखी थी, तो कल शाम को 10:30 बजे सूचना आई पेट्रोल पंप से, जो अपने विनायक पेट्रोल पंप है गुलाना स्टैंड से आगे, कि एक गाड़ी है HR नंबर की, उसमें 3 व्यक्ति हैं जिनके पास जो अपने पैसे हैं वो जो फर्जी तरीके के हैं और हमें डाउटफुल लग रहा है, और वो यहाँ डीजल लेने के लिए आए हुए हैं। इस सूचना की जो तस्दीक के लिए मैंने मेरे यहाँ थाने से SI साहब सुरेश कुमार, SI मैं उसके साथ जाब्ता भेजा, उसकी जो वेरीफाई कराई, तो उनके पास में जो मुताबिक इतला के उन्होंने 4400 रुपये का वो डीजल वहाँ लेने की जो कोशिश की थी, हमारी टीम ने उनसे उनको चेक किया गया तो उनके पास में टोटल 11,400 रुपये जो तीनों गाड़ी में 3 व्यक्ति थे, तीनों आदमियों से चेक करने पर 11,400 रुपये हमें मिले। जो 200 के नोट 57 नोट थे, 200 रुपये का नोट हमने गिने तो टोटल 57 नोट थे जो 11,400 रुपये बनते हैं, जो बिल्कुल कतई फर्जी थे, जो हमने उसको चेक किया अच्छी तरह। वहीं मौके पर हमने नियमानुसार कार्रवाई करके और तीनों व्यक्तियों को पेट्रोल पंप पर ही गिरफ्तार किया गया हमारी टीम द्वारा, और पैसे जब्त किए गए और तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार करके यहाँ लेके आया गया। इसके बाद में आज SEZM साहब भी पेश किया गया, जिनमें 2 मुलजिमों को हमने रिलीज करा दिया है। एक मुलजिम जो इसमें मेन है, जो इस कारोबार में लिप्त है साबित, मतलब पूरा अच्छी तरह से वो सारा कारोबार जानता है, 2 साथी थे उनको रिलीज करा दिया है। इसका 2 दिन का पीसी रिमांड लेके आए, जिससे ये पैसे कहाँ से लाया, ये कहाँ से नहीं लाया, इसके बारे में गहनता से इसे अनुसंधान किया जाना है, जो हम कर रहे हैं। सर, ये आरोपी है वो कहाँ के हैं? ये तीनों आरोपी अपने चरखी दादरी पड़ता है कहना हरियाणा में, वहाँ के हैं। जो ये तीनों ही, इनका अपराधी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, आगे से क्या रिकॉर्ड रहा क्या नहीं रहा, बल्कि तीनों ही गाड़ी में थे, गाड़ी इन्हीं की थी जो जब्त कर ली गई है। गाड़ी कहाँ के नंबरों की? राजस्थान की। 4 नंबर की गाड़ी है, जिसके नंबर इसमें आपको फ्रेश नोट में अभी मिल जाएंगे।